दोस्तों ये मेरा पीछे खड़ा हुआ है एडवेंचर 5। ये बहुत ही एक ताकतवर स्पीड बोट वाला जहाज है। ऐसे स्पीड बोट हम लोग कैसे सोचो, स्पीड बोट मतलब जो स्पीड से चलता है और शिप थोड़ा सा धीमे चलते हैं, बट ये वाला जो शिप है ये स्पीड बोट वाला शिप है। मीन्स स्पीड बोट का रफ्तार और एक शिप का बहुत बड़ा आकार। अगर मान लीजिए ढाका पहुँचने के लिए ये नॉर्मल सा ये जो लॉन्च ये लेगा 8 घंटा, ये कितना 5 घंटे में ये पहुँचा देगा आपको ढाका। सो आप सोच सकते हो ये डबल स्पीड है, जो जनरल लॉन्चेस है उससे डबल स्पीड है। बहुत लग्जरियस ये शिप है और देखने में तो कमाल लग रहा है। इसका नाम है एडवेंचर 5 मेरे दोस्तों। इधर देखिए कोई नहीं है, हम सिर्फ दोनों, वी बोथ आर वॉकिंग। पीछे देखिए कोई नहीं है, ये पीछे तो ये सब लॉन्च है, 1, 2, 3, 4 पीछे 7-8 लॉन्च खड़े हुए हैं। और ये जो रोड है दैट इज़ द चट्टोग्राम ढाका हाईवे। दोस्तों एक्चुअली हम लोग पहुंच गए हैं ये चट्टोग्राम बस स्टैंड, बड़ा पुल बस स्टैंड। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा बस यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी चट्टोग्राम से मेरा डेस्टिनेशन है, मैं जैसे आया था वैसे ही मुझको लौटना है। मुझे जाना है लक्ष्मीपुर से मुझको आई विल टेक द लॉन्च से मैं जाऊँगा भोला से। जैसे जैसे मैं आया था बांग्लादेश ऐसे ही मुझको लौटना है। बांग्लादेश की एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझको, दैट इज़ द बस सर्विसेज। बसेस आर गाइस वेरी मच कलर, यू नो, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, हर डिफरेंट कलर ऑफ बसेस यू कैन फाइंड इट। एक्चुअली मेरे देश में क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हम लोग डिपेंड करते हैं ऑन द इंडियन रेलवे, बट हियर द मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट दैट डिपेंड्स ऑन द जस्ट लाइक रोड ट्रांसपोर्ट, बसेस एंड लॉन्च। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों सर्विसेज बहुत बढ़िया है। और हम लोग का जो बस का भाड़ा पड़ा आने के टाइम में, बस का भाड़ा पड़ा 400 ईच, बट जाने के वक्त हम लोग का भाड़ा पड़ रहा है पता नहीं क्यों डिस्काउंट दिया, दैट इज़ अ 350 ईच, 350। तो दोस्तों ऑलरेडी बस में मैं चढ़ चुका हूँ, सेम कंपनी का बस है शाहीन, जिस बस से मैं आया था, सेम कंपनी बस से मैं जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही बस है। बट आने जितना टाइम में जो बस था उसका कंडीशन थोड़ा सा बेहतर था शायद। एसी सर्विस है, एसी बस है, नॉन एसी भी था, बट सेम थिंग 50 रुपये के लिए मैं क्यूसी नहीं किया, आई बॉट द सेम एसी वाला बस 400 रुपये में। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बजे रात को, और 10, 11, 12, 1, 2 से 2.5 बजे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे लक्ष्मीपुर, वहाँ से हम लोग का करना पड़ेगा लॉन्च। दोस्तों रात के ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और कितने जस्ट लाइक 9:30 बजे हम लोग का बस जर्नी शुरू हुआ था, 10 बजे एग्जैक्टली 9:30 टाइम था, बट बस शुरू होते होते इट वॉज अराउंड 10:00। और 2 घंटे बाद हम लोग खड़े हैं बस एक हॉल्ट में, एक पे होटल पे। देखो पीछे जो ये होटल है, ये जो होटल है यहाँ के सामने रुका है फॉर द डिनर, बिकॉज बस का जो पैसेंजर्स है वो लोग कुछ लोग डिनर करना चाहते हैं, एंड फॉर देम डिनर करने के लिए इस जगह पे रुका हुआ है। और ये जो रोड है दैट इज़ द चट्टोग्राम ढाका हाईवे। ये देखो ये जो पहले वाला बस जो आया था इसका डिनर कम्प्लीट पैसेंजर्स का, तो ये जा रहा है। हम लोग का बस पीछे है, आवर बस इज बिहाइंड अब द। चलो हम लोग का बस ये है जोनाकी सर्विस। और हम लोग का जो बस है दैट इज़ द शाही ट्रांसपोर्ट, शाही सर्विस। तो ये बहुत ही मीन्स दो बस मैं देखा जो लक्ष्मीपुर से चट्टोग्राम जाने के लिए, ये दो ही ज़्यादा बेहतर बस सर्विसेज है जो मेरे ख्याल से। ये है शाही मेरा बस का मतलब इस बस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। तो दिस इज़ द बांग्लादेश, अ ब्यूटीफुल कंट्री। आई डोंट नो दैट वाई इंडियन यूट्यूबर्स दे डोंट कम ओवर हियर, आते हैं बट वेरी फ्यू नंबर ऑफ यूट्यूबर्स दे कम। दोस्तों अभी रात को 2 बजे है और हम लोग का बस ऑलरेडी हम लोग को ड्रॉप कर दिया एट द लक्ष्मीपुर फेरीघाट, और ये पूरा नदी के सामने फेरीघाट में अभी खड़ा हूँ। ये पीछे तक ये सब लॉन्च है, 1, 2, 3, 4 पीछे 7-8 लॉन्च खड़े हुए हैं। ये सब लॉन्च कोई जा रहा है, कुछ लॉन्च जा रहे हैं भोला, कुछ लॉन्च जा रहे हैं बोरीशल तक। तो एक्चुअली रात को 2 बजे है, हम लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअली सोने का एक जगह। लॉन्च के अंदर खचाखच भीड़ है, मीन्स इतने रात को पहला जो लॉन्च छूटेगा 3 बजे, और यकीन मानी ये पूरा एक अलग सा ही एक दुनिया है। एक्चुअली मैं जो पहले जिस देश में मैंने ट्रैवल किया वहाँ पर फ्लाइट में एयरपोर्ट में
बस स्टैंड में आई हैव स्लेप्ट, बट ये बांग्लादेश का ये जो सफ़र हुआ कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर लॉन्च स्टेशन है, लॉन्च स्टॉप है, देखो ये पूरा लॉन्च घाट है, बहुत सारे लोग रात के 2 बजे से ऑलरेडी खड़े हैं, बैक टू बैक यहाँ पर लॉन्च छूटने वाला है, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, आधा घंटे इंटरवल में लॉन्च विल डिपार्चर। तो ये एक अलग सा दुनिया है, अलग सा जगत है, अलग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो फर्स्ट एक्सपीरियंस आई एम हैविंग ओवर हियर। पर ठीक है, थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है अभी। मेरा जो पीछे आप देख सकते हैं पूरा ये नदी है, पूरा ये मेघना रिवर रिवर है। यहाँ पर कुछ शायद आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो सफ़ेद सफ़ेद देख रही है, स्पीड बोट है। स्पीड बोट सर्विस भी यहाँ से मिलता है, मीन्स भोला बोरिशाल ढाका जाने के लिए स्पीड बोट भी आपको मिल सकता है, बट वो अभी नहीं, सूरज उठने के बाद, मीन्स रात को स्पीड बोट नहीं चलता है। मीन्स सोचिए 3 बजे फर्स्ट बोट, बट अभी मैं और तरुण भाई डिसाइड नहीं कर पाए येट हम लोग का कौन सा बोट में जाना है, कौन सा लॉन्च में जाना है, 3 बजे के लॉन्च के, 4 बजे के लॉन्च में, बिकॉज भोला पहुंचने के बाद भी एक इशू है, हम लोग कहाँ रुकेंगे। मीन्स हम लोग 3 बजे के लॉन्च में पहुंच जाएंगे, 4:30 बजे, 5 बजे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे, बट 5 बजे पहुँच कर हम लोग को कुछ बोर्डिंग कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं यहाँ पर। मीन्स कुछ सुबह का लॉन्च हम लोग पकड़ेंगे और 7-7:30 बजे अगर भोला पहुँचेंगे तो ये हम लोगों के लिए इट विल बी लिटिल बिट ऑफ बेटर। तो देखते तरुण जी भी बात करने के लिए गए हैं, कौन सा लॉन्च कौन सा टाइम में, पूरा डिटेल्स लेके गए हैं, उसके आने दीजिए, उसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों कभी सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने ये वाला लॉन्च डिसाइड किया जाने के लिए। ऑलरेडी आप देख सकते हो मैं चढ़ चुका हूँ लॉन्च पे, एक ठीक ठाक जगह लेके। एक्चुअली आई एम नॉट यूज टू दिस लॉन्च एग्जैक्टली फैसिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों आपको पता है अंधेरे में आपको शायद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मैं चल रहा हूँ ये जो लॉन्च, जिस लॉन्च में मैं जा रहा हूँ उस लॉन्च के एकदम साइड में चल रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, साइड में सभी सब सो रहे हैं अंदर, और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर टहल रहा हूँ, जस्ट चल रहा हूँ। दोस्तों एटलस्ट मैं पहुंच गया हूं माय डेस्टिनेशन, दैट इज एलिशा फेरीगढ़। यह है मेरा लॉन्च, रात के अभी 4:45-5 बजे हैं, और देख सकते बहुत सारे लोग एक साथ फेरीगढ़ में उतरे हैं, अभी भी आसमान पूरा अंधेरा है। दोस्तों ये मेरा पीछे खड़ा हुआ है एडवेंचर 5, ये बहुत ही एक ताकतवर स्पीड बोट वाला जहाज है। ऐसी स्पीड बोट हम लोग कैसे सोचो, स्पीड बोट मतलब जो स्पीड से चलता है और शिप थोड़ा सा धीमे चलता है, बट ये वाला जो शिप है ये स्पीड बोट वाला शिप है। मीन्स स्पीड बोट का रफ्तार और एक शिप का बहुत बड़ा आकार। तो चलिए हम थोड़ा सा अंदर नहीं जा सकते, थोड़ा सा बाहर से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज अंदर से गेट पूरा बंद है। जस्ट लाइक मैं यूट्यूब में बांग्लादेश का कुछ वीडियो देखा था, मीन्स भोला बोरिशाल से ढाका जाने वाले हाई स्पीड, और ये भोला टू ढाका हमने एक दो एपिसोड भी देखा था इसके ऊपर। एक बहुत ही लग्जरियस एंड कंफर्टेबल एक शिप है, मीन्स इसका रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल जो ये जो दूसरा शिप देखी, ये जो नॉर्मल जो शिप है इसका अगर लेता है कितना घंटा, 7 से 8 घंटा ढाका पहुँचने के लिए, 8 आवर्स। अगर मान लीजिए ढाका पहुँचने के लिए ये नॉर्मल सा ये जो लॉन्च ये लेगा 8 घंटा, ये कितना 5 घंटे में, 4 से 5 घंटे में ये पहुँचा देगा आपको ढाका। सो आप सोच सकते हो ये डबल स्पीड है, जो जनरल लॉन्चेस है उससे डबल स्पीड है। बहुत लग्जरियस ये शिप है और देखने में तो कमाल लग रहा है। इसका नाम है एडवेंचर 5 मेरे दोस्तों। दोस्तों फिर से मैं पहुंच चुका हूं भोला टाउन। उस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया गया है बाय द ऑटो,
एक्चुअली आज का दिन बहुत जर्नी गया। ऑलमोस्ट 22 आवर्स से मैं लगातार बैक टू बैक जर्नी कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले हम लोग कॉक्स बाजार से निकले एक बस से, दैट इज़ अ पूरोवी बस से। उससे हम लोग पहुँचे बांदरबन, पर घुसने नहीं दिया। फिर बांदरबन से मैंने एक ऑटो ली, ऑटो लेकर एक मोड़ पे आया जहाँ से चट्टोग्राम का बस मिल सकता है। वहाँ से हम लोगों ने शैमुली ट्रेवल्स का बस लिया और पहुँच गए हम लोग चट्टोग्राम। चट्टोग्राम से फिर से हम लोगों ने बस लिया, शाहीन बस, शाही बस। उस बस से हम लोगों को आना पड़ा लक्ष्मीपुर। वहाँ से फिर से हमको लेना पड़ा लॉन्च। लॉन्च से आया भोला इलिशा फेरी घाट। वहाँ से फिर से मुझको लेना पड़ा एक ऑटो। ऑटो से एटलास में पहुँच गया हूँ माई होस्ट फैमिली तरुण जी और दीपक जी का घर में। एक्चुअली इसे बोलते हैं एक्चुअली रियल ब्लॉगिंग, एकदम रॉ, कोई सिनेमेटिक नहीं, कोई तांगझाम नहीं। जो एक्चुअल घटा वही डिस्क्राइब किया। अगर पिछले 2-3 व्लॉग आपने देखा है तो आपको पता है सब कुछ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ। तो एक्चुअली फीलिंग प्राउड आल्सो बीइंग अ व्लॉगर। एक व्लॉगर का ऐसे ही जज्बा होना चाहिए। 22 घंटे से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कोई नींद नहीं, कोई रेस्ट नहीं। बिलीव मी, अभी जाके सोना है, कब उठना है पता नहीं। आई विल स्लीप बट व्हेन आई विल वेक अप आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम फीलिंग टू मच एनर्जेटिक, क्योंकि आज ब्लॉग करके मज़ा बहुत आया। एक्चुअली आज मैं एज अ टूरिस्ट नहीं घूमा, आज मैं घूमा एज अ लोकल बांग्लादेशी पीपल। सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑलरेडी हम लोग एक छोटा छोटा रिवर होता है ना, एक रिवर के सामने से हम लोग जा रहे हैं। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस रिवर। ये भोला शहर के एकदम बीचों बीच ये पुल है और इससे देखो छोटे 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 लॉन्च भी हैं, कार्गो लॉन्च। और ये गवर्नमेंट स्कूल का मार्ट है, मैदान है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल भी है और इससे ऊपर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसे लोग तो नहीं उठे भोला का लोग, सिर्फ जो नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिद में जाते हैं, दे हैव ओनली वोकअप। और हम लोग एज अ बीइंग अ ब्लॉगर, एज अ इंडियन ब्लॉगर, लोकल बांग्लादेशियों की तरह घूम रहा हूँ। फीलिंग गुड, फीलिंग एक्साइटेड। अगर 2-4 वीडियो पहले से देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द स्ट्रगल ऑफ अ ब्लॉगर। ब्लॉगिंग इतना भी इजी नहीं है। लोग जो देखते हैं सोचते हैं चलो यार इज़ अ ब्लॉगर, या कैमरा के सामने नाटकबाजी करते हैं, बात कर लेते हैं, चलो हो गया। बट इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इजी मेरे दोस्त। ब्लॉगिंग के लिए चाहिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू, इधर देखिए कोई नहीं है, हम सिर्फ दोनों, वी बोथ आर वॉकिंग। पीछे देखिए कोई नहीं है। सुबह के 6 बजे है, मीन्स कल सुबह 8 बजे आई स्टार्टेड माई जर्नी, 6 बजे आई एम जस्ट फिनिशिंग माई जर्नी। सो दोस्तों ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करना पड़ेगा। गेटिंग स्लीप बैडली, ऑलरेडी हम लोग पहुँच गए हैं तरुण जी के घर के सामने। तो अभी घर में एंट्री होगा, उसके बाद एक जबरदस्त स्लीप। सुबह उठकर, सुबह मत, सुबह तो हो चुका है, कब उठूँगा पता नहीं, जब उठूँगा उसके बाद ही नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है। आई सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एडवेंचरस एपिसोड।